أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى نجف أشرف حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سے इंटरनेशनल अल मारिफ अल अलविया शार कोर्स का ये किताब निकाह का 13वां दर्स है। आज के दर्स में हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो रिश्तेदारियां हैं कि जो शादी की वजह से जिनके अंदर आपस में निकाह करना हराम हो जाता है। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि तीन असबाब ऐसे हैं कि जिनकी वजह से एक लड़के और लड़की का, एक मर्द और ख़ातून का आपस में निकाह करना हराम होता है, कि जिसमें से पहला जो सबब था वो नसब था, कि जिसे हम नस्बी रिश्ते कहते हैं, और वो सात रिश्ते, सात आनावीन आपके सामने हमने बयान किए तफसील के साथ, कि ये जो सात रिश्ते हैं ये ऐसे हैं कि जिनका आपस में निकाह करना हमेशा के लिए हराम है। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि रज़ाअत यानी दूध पिलाना आठ शरायत के साथ, ये एक ऐसा सबब है कि जिसकी वजह से वही रिश्ते हराम होते हैं कि जो नसब की वजह से हराम होते हैं, बल्कि कुछ रिश्ते नसब के अलावा भी हराम होते हैं कि जो नसूस की वजह से और रवायात की वजह से हराम होते हैं, कि जहाँ पे कुछ मवारद में से इसी सारे ने एहतियात वाजिब लगाई और कुछ जगह पे उन्होंने हुरमत का फतवा दिया। ये दो मौरद हो गए थे। तीसरा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नसब और रजात के अलावा कुछ और रिश्ते भी होते हैं कि जो हराम हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते शादी करने के बाद बनते हैं और शादी करने के बाद, बनने के बाद ये फिर हमेशा के लिए हराम हो जाते हैं। और फ़िक़्ही इस्लाम में इसको मुसाहरा कहते हैं, साथ के साथ है मुसाहरा। अगर आप मुसाहरा की तारीफ़ पूछें कि मुसाहरा किसे कहते हैं, तो इसका वाज़ह जवाब यही होगा कि शादी करने के बाद मियाँ बीवी के ऊपर एक दूसरे के जो रिश्तेदार हराम होते हैं और जो रिश्तेदार एक दूसरे के लिए महरम बन जाते हैं शादी की वजह से, इन इस महरमियत को हम ये कहते हैं कि ये महरमियत मुसाहरा की वजह से आई है, इसका जो सबब है वो मुसाहरा है। जैसे दामाद का और सास का जो रिश्ता है, इन रिश्तों का जो वजह है वो नसब नहीं है, रज़ात इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह क्या है? मुसाहरा इसकी क्या बनी है? वजह बनी है। तो ये एक फ़िक़्ही इस्तिलाह है, इसका जानना बेहतर है कि आपके जहन में हो कि ये रिश्ता मुसाहरा की वजह से बना है और इस वजह से क्या हराम हुआ है। तो शादी यानी जब भी लड़का लड़की शादी करते हैं तो बहुत सारे रिश्ते आपस में महरम हो जाते हैं और उनके लिए फिर हमेशा के लिए आपस में शादी करना हराम हो जाता है। खुद इन मियां बीवी के लिए भी बहुत सारे रिश्ते महरम बनते हैं और इनकी औलाद के लिए और इनके वालदैन के लिए भी बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो महरम बनते हैं, कि जिनको हम तीन अनामीन के तहत जिक्र करेंगे कि ये तीन किस्म के रिश्ते ऐसे हैं कि जिसके पीछे जो सबब और वजह है वो यही मुसाहरत है। यही मुसाहरा क्या बन रही है? सबब बन रहा है। सबसे पहले आ जाएं कि अगर एक इंसान ने शादी की तो उसका जो बेटा है उसके ऊपर कौन से जो है वो रिश्ते हराम होते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक बेटे के ऊपर जो बाप की बीवी होती है वो हमेशा के लिए हराम हो जाती है, चाहे वो जो बाप की बीवी है वो फ़कत उसकी बीवी रही हो, बाप ने उसके साथ जिमा और हम बिस्तरी ना की हो, फ़कत उसने निकाह पढ़ा हो और निकाह के बाद उसने तलाक दे दी हो, तो अब ये जो खातून है वो हमेशा के लिए इसके बेटे के ऊपर हराम हो जाएगी। बेटे के लिए शरीयत में ये इजाज़त नहीं है कि वो बाप की बीवी के साथ, बाप की मनकूहा के साथ निकाह करे। इसको हम अपने माशरे में शायद सुतेली माँ से याद करते हैं कि बाप की बीवी यानी मेरी सौतेली माँ। तो ये मसला क्या है, इसका दायरा काफ़ी वसी है फिक में, कि अगरचे बाप ने जो है वो निकाह गैर दैमी किया हो, निकाह मुत्ता किया हो, किसी खातून से फकर निकाह मुत्ता किया, उनकी आपस में जो है वो जिनसी ताल्लुकात भी कायम नहीं हुए, इसके बावजूद भी फकत निकाह करने की वजह से ये खातून इस शख्स के बेटे पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। चाहे अब इसका वालिद फौत हो जाए या वालिद उसको तलाक दे दे, यानी क्या है मुत्ता की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाए, इद्दत ख़त्म हो जाए, फिर भी वो खातून हमेशा के लिए क्या हराम रहेगी।
और यहाँ फिर ये भी फ़र्क नहीं है कि ये जो इसका बाप है वो चाहे इसका नस्बी बाप हो या इसका जो है वो रजाई बाप हो। रजाई बाप जो हम पहले बयान कर चुके हैं कि रजाई वालदा जो इंसान की होती है उसका जो शोहर होता है वो रजाई बाप कहलाता है, कि जिसकी तरफ दूध क्या होता है मंसूब होता है। और इसी तरीके से जो है वो हमने जिस तरीके से कहा कि इंसान के ऊपर उसके वालिद की जो है वो बीवी हराम होती है, ये जो लफ्ज़ वालिद है बाप है इसका दायरा भी यहाँ पे वसी है, यानी वालिद की बीवी भी हराम होगी और जो वालिद का वालिद है जिसे दादा हम कहते हैं उसकी बीवी भी क्या हराम हो जाएगी, और दादे के अलावा जो नाना है नाना की बीवी भी क्या है हराम हो जाएगी। यानी इंसान के जितने भी आबा हैं फ़िक़्ही इस्तिलाह के मुताबिक आबा का जो इसका सिलसिला है, आबा की जो भी बीवियाँ होंगी जो मनकूआ होंगी वो हराम हो जाएंगी, और उसके पीछे वजह यही मुसाहरा, इसे हम कहेंगे कि ये वो मुसाहरत के रिश्ते हैं कि बाप अगर किसी से निकाह कर ले, दादा किसी से निकाह कर ले, नाना किसी से निकाह कर ले, परदादा या परनाना किसी भी खातून से निकाह कर लें तो वो खातून हमेशा के लिए हराम हो जाया करती है, चाहे वो बाप दादा नाना परनाना परदादा वो नस्बी तौर पे उसके हों या वो रजाई हों उसके, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और चाहे जो निकाह हुआ है वो दायमी हो या गैर दायमी हो, और चाहे उस निकाह के बाद हम बिस्तरी हुई हो या हम बिस्तरी ना हुई हो, और चाहे वो बाप दादा वगैरह तलाक दे दें या फौत हो जाएं या तलाक ना दें फौत ना हो, हर सूरत में हमेशा के लिए क्या है वो खातून हराम हो जाती है। तो ये पहला हो गया कि बेटे के ऊपर अपने आबा की जो अजवाज होती हैं फ़िक़ी ताबीर के मुताबिक वो हमेशा के लिए क्या है हराम हो जाती हैं। दूसरा अगर आ जाए बाप की निस्बत से, तो यहाँ पर भी ऐसे कानून है कि बाप के लिए भी जो बेटे की जौजा है बेटी की जो बीवी है वो भी क्या हराम हो जाती है, बाप पर बेटी की बीवी मुतलकन हराम हो जाती है। इसको हम अपनी जबान में जो है वो बहू से भी ताबीर करते हैं कि एक इंसान के जो बेटी की बीवी होती है जिसे बहू कहा जाता है वो हमेशा के लिए हराम हो जाती है, चाहे बेटा उसे तलाक दे दे, बेटा फौत हो जाए वो हमेशा के लिए हराम रहती है। अब यहाँ पर भी दायराकार जो है वो वसी है, बेटे के निस्बत से हैं तो चाहे वो बेटा हो उसका पोता हो नवासा हो जो भी, यानी उसकी औलाद नीचे चल रही है, तो उनकी जो बीवियाँ होंगी वो बाप के ऊपर हराम हो जाती हैं। और इसी तरीके से आप यूं इससे बना लें कि यहाँ से भी दायराकार वसी है कि चाहे वो निकाह दायमी हो या निकाह गैर दायमी हो, और चाहे निकाह के बाद रुखसी हुई हो या रुखसी ना हुई हो, पहली तलाक हो जाए, मुबाशरत हुई हो मुबाशरत ना हुई हो, पहली तलाक हो जाए, हर सूरत में, यानी जब भी एक बेटा जो है वो किसी का निकाह किसी खातून से करेगा, यानी बेटा एक बेटा जो है जब भी किसी खातून से किसी भी लड़की से फ़कत निकाह करेगा, तो निकाह करने की वजह से जो उसका वालिद है वो अब इससे इस खातून से कभी भी शादी नहीं कर सकेगा, ये खातून हमेशा के लिए उसके लिए महरम बन जाएगी और इससे निकाह करना हराम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और भी तफसील है कि चाहे ये जो बेटा है ये इंसान का अपना नस्बी बेटा हो या रजाई बेटा हो, इसी तरीके से जो पोता और नवासा है वो नस्बी हो या रजाई हो, तो ये भी पहले की तरह क्या है दायराकार यहाँ पर भी क्या है वसी है। तो लिहाजा ये वो पहला रिश्ता है कि बेटे पर बाप की अजवाज हराम होती हैं और बाप के ऊपर बेटे की अजवाज हराम होती हैं, और बाप से मुराद दादा नाना और सारे आबा मुराद हैं, इसी तरीके से बेटे से मुराद भी जो पोते और नवासे हैं ये भी सारे के सारे मुराद हैं, और निकाह भी चाहे दायमी हो गैर दायमी हो और चाहे जमा हुआ हो जमा ना हुआ हो, सारी तफसीलात क्या इसमें आ जाएंगी। अच्छा, दूसरा रिश्ता के खुद शोहर के ऊपर कौन से जो है वो रिश्ते बीवी के हराम हो जाते हैं। जब इंसान शादी करता है तो उसके लिए जो बीवी की माँ है बीवी की जो उम्महात हैं वो इस शोहर के ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाती हैं। हम अपने मुआशरे में इसको जो है वो सास कहते हैं कि बीवी की माँ यानी जिसे सास कहा जाता है, ये शोहर के ऊपर हमेशा के लिए हराम होती है। अब यहाँ पर भी जो है वो दायराकार क्या वसी है कि चाहे वो बीवी की माँ हो या बीवी की माँ की माँ हो या बीवी के बाप की माँ हो, यानी बीवी की नानी भी इसमें शामिल हो जाएगी और बीवी की दादी भी शामिल हो जाएगी या ऊपर जितना चलते जाएं, यानी जिनको फ़िक़ी ताबीर में बीवी की उम्महात कहा जाता है, तो बीवी की उम्महात जितनी भी होंगी वो सारी की सारी इसके शोहर के ऊपर हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी, चाहे शोहर जो है वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, इसकी बीवी फौत हो जाए, इसके बावजूद भी
उसके लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो बीवी की वालदा के साथ या उसकी दादी या उसकी नानी के साथ निकाह कर रहे, क्योंकि वो हमेशा के लिए महरम बन जाती हैं। अब यहाँ पर भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं है कि चाहे ये जो उनका निकाह है ये निकाह दायमी हो या निकाह मुता हो, और इसी तरीके से निकाह के बाद चाहे जमा हुआ हो या जमा ना हुआ हो, यानी एक मर्द ने जो है वो किसी खातून से शादी की, फ़कत निकाह किया, निकाह मुता किया, कोई जमा वगैरह नहीं हुआ, फिर मुद्दत जो थी वो बख्श दी, उसे ख़त्म कर दी, या निकाह किया और फौरन क्या तलाक दे दी, तो फ़कत इसी काम करने की वजह से जो उस लड़की की वालदा होगी जिसे सास कहते हैं, या उस लड़की की जो दादी और नानी होगी, वो हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी। अब ये कहे कि मैंने जमा तो नहीं किया, हम कहेंगे नहीं, इसमें जमा शर्त नहीं है, फ़कत आपने निकाह कर लिया, निकाह करने की वजह से आपके ऊपर आपकी जो बीवी की उम्माहात हैं ये हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो जौजा में फिर यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं रखा कि किसी भी खातून से आप निकाह कर रहे हैं, चाहे वो दूध पीती बच्ची हो, अभी शर्त के निकाह वो सही होना चाहिए, और ये हम पहले बयान कर चुके हैं कि एक वालिद को दादे को ये इख्तियार दिया गया शरीयत की तरफ से कि कुछ शरायत के होते हुए, कुछ मसाले के होते हुए वो अपने नाबालिग बच्चों की शादी कर सकते हैं। तो अगर इसने शरायत के तहत जो है वो एक छोटी बच्ची के साथ निकाह किया तो उस छोटी बच्ची की जो वालदा है वो हमेशा के लिए इसके ऊपर हराम हो जाएगी और वो महरम बन जाएगी। महरम का यहाँ पे मतलब जो होता है कि उससे पर्दा करना भी वाजिब नहीं होता, और इसी तरीके से वो हमेशा के लिए क्या है, हराम होती है। अच्छा, ये हो गया कि शोहर पर जो है वो बीवी की जो उम्मात हैं हराम हो जाएंगी। अच्छा, बीवी की नस्बत से आ जाएँ तो बीवी पर जो है वो शोहर के जो आबा हैं, यानी शोहर का जो वालिद है, उसका जो दादा है, उसका जो नाना है, ये भी बीवी के ऊपर हराम हो जाती हैं, और इसको हम अपनी ज़बान में क्या सुसर से ताबीर मेरे ख्याल में करते हैं कि जो शोहर का वालिद होता है, ये जो शोहर का वालिद है, शोहर का दादा है, शोहर का नाना है, जितना ऊपर चलते जाएँ इसके आबा इसके आबा व अजदाद ले लें, ये सारे के सारे इसकी बीवी के ऊपर हराम हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर भी कोई तफसील नहीं है, यानी जो भी सूरत हाल हो, चाहे इनका आपस में निकाह मुता का हो, निकाह दायमी हो, चाहे इन्होंने जमा किया हो, जमा ना किया हो, हर सूरत में इनके इसकी जो बीवी है उसके ऊपर इसके जो आबा हैं, चाहे वो नस्वी आबा हों या रज़ाई हों, जो भी इसके आबा व अजदाद हैं, वो सारे के सारे उसके ऊपर हराम हो जाएंगे। अच्छा, आगे औलाद की नस्बत से आ जाएँ कि शोहर के ऊपर बीवी की औलाद भी हराम हो जाती है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है, वो शर्त यह है कि ये निकाह के बाद बीवी से जमा भी करे। तो अगर एक बंदे खातून से शादी करता है, निकाह करता है और उसे तलाक दे देता है, तो अब हम ये सवाल करेंगे कि क्या इसके बाद ये उसकी बेटी से शादी कर सकता है? तो इसका जवाब क्या होगा कि अगर इसने फ़कत निकाह किया है और निकाह के बाद जमा नहीं किया, तो फिर तो वो उसकी बेटी के साथ निकाह कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर इसने निकाह किया और निकाह के बाद इसने जमा भी कर लिया, तो इस सूरत में फिर उसकी जो बेटी है वो हमेशा के लिए क्या हराम हो जाएगी, ना फकत उसकी बेटी बल्कि उसकी जो औलाद है, मजीद आके बेटी की बेटी कर लें या बेटे की बेटी कर लें, यानी उसके पोते और पोतियां, वो सारी की सारी क्या हराम हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और नुक्ता अहम है कि जिसकी वजाहत ज़रूरी है कि शोहर के ऊपर जो बीवी की बेटी हराम हो रही है, तो जो शोहर का बेटा है, शोहर के बेटे के ऊपर बीवी की जो है वो बेटी हराम नहीं होती। यानी अगर हमारे सामने मिसाल इस तरह से हो कि एक तरफ जो है वो बाप और बेटा हैं और एक तरफ जो है वो माँ और बेटी हैं, तो ये आपस में क्या शादियाँ करते हैं, बाप कहता है कि मैं इसकी माँ से शादी कर लेता हूँ, बेटा कहता है कि मैं इसकी बेटी से शादी कर लेता हूँ, तो ये शादी दुरुस्त होगी। इसी तरीके से ये उलट करना चाहें कि बाप कहता है कि मैं इसकी बेटी से शादी करता हूँ और बेटा कहता है कि मैं इसकी क्या माँ से शादी करता हूँ, तो ये निकाह दुरुस्त होगा, ये इस मुसाहरे की वजह से हराम नहीं होता। जो मुसाहरा की वजह से जो रिश्ता हराम होता है कि जो शोहर होता है, शोहर फकत वो अपनी बीवी की औलाद में शादी नहीं कर सकता, यानी जो बीवी की बेटियां हैं उसके ऊपर शादी नहीं कर सकता। वो कब? जब शादी कर ले, निकाह हो जाए और निकाह के बाद वो जमा भी कर ले, तो ये शर्त क्या बड़ी अहम है। तो जब अभी निकाह नहीं हुआ वो शादी करना चाहता है, दो खवातीन हैं, एक खातून माँ है और दूसरी क्या उसकी बेटी है, तो अब इसकी मर्ज़ी है जिससे वो शादी करे। अगर उसकी बेटी से शादी करता है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उसकी जो वालदा है वो इसकी सास बन जाएगी,
तो अब इसका जो बेटा है उसके लिए ये जायज़ है कि ये अपने वालिद की जो है वो सास से क्या करे, शादी करे। यानी एक इंसान के लिए जायज़ होता है कि अगर उसके वालिद की जो है वो सास है तो वो उससे क्या है, शादी कर सकता है। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो इसका उलट कर लें कि एक जो बेटी है उसके लिए ये फिर जायज़ है कि उसका जो वालिद है, उसका जो ससुर है, उसके साथ क्या वो शादी करना चाहे, तो ये भी क्या उसके लिए जायज़ होता है। अच्छा, ये एक मसला आ गया कि जिसमें हमने ये वाजे किया कि शोहर के लिए बीवी की जो बेटियां होती हैं वो तब हराम होती हैं कि जब वो बीवी के साथ क्या करे, जिमा भी करे। इसका उलट कर लें कि क्या बीवी के लिए शोहर के बेटे हराम हो जाते हैं, तो उसका जवाब भी है कि बिल्कुल, कि जब कोई खातून किसी मर्द के साथ शादी करती है तो अब उस मर्द के जो बेटे होंगे, जो उसके पोते होंगे, जो नवासे होंगे, वो भी सारे के सारे हराम हो जाएंगे। अब यहाँ पे जिमा की शर्त भी नहीं है, यानी चाहे इनका जिमा हो या जिमा ना हो, फ़कत निकाह हो जाए, चाहे निकाह दायमी हो या गैर दायमी हो, किसी भी लड़के के साथ एक लड़की अगर निकाह करती है तो उस लड़के की जो औलाद होती है, जो उसके बेटे होते हैं, उसके पोते होते हैं, वो हमेशा के लिए इसके ऊपर हराम हो जाया करते हैं। ठीक हो गया। तो लिहाजा जो है वो हम इसका खुलासा कलाम क्या करेंगे कि शोहर के जो औलाद है, शोहर की जो औलाद है, चाहे उसकी नस्बी औलाद हो, रजाई औलाद हो, वो सारी की सारी इसकी बीवी के ऊपर हराम हो जाती है। और इसमें ये शर्त भी नहीं होती कि इन्होंने निकाह में जमा किया हो या जमा ना किया हो। अच्छा, यहाँ तक ये अहम अहम जो मसाइल थे हमारे मुसाहरा के, वो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट होते हैं, मुकम्मल होते हैं। इसके बाद क्या है, कुछ और सूरतें हैं कि जैसे फिक्र में कहा जाता है कि मुलाकात है मुसाहरा, कि जो ऐसी सूरतें हैं कि जो मुसाहरा की वजह से रिश्ते तो नहीं बनते, कुछ और इंसान के अफ़ाल होते हैं, उन अफ़ाल की वजह से, उन हराम कामों की वजह से या हलाल कामों की वजह से बहुत सारी खवातीन के साथ निकाह करना क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। वो भी एक तादाद है और बड़ी तादाद है, उनके मसाइल भी जानना हमारे लिए क्या ज़रूरी हैं। तो लिहाजा अब तक की जो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई है कि वो हमने नस्बी रिश्ते साथ पढ़े, रज़ात की हमने 8 शरायत पढ़ी और उसकी वजह से हमने रिश्तों को हुरमत को समझा, और जो मुसाहरा की वजह से ये जो 3 हमने बुनियादी रिश्ते बड़े बड़े डिस्कस किए कि एक दूसरे की जो औलाद है मियाँ बीवी के लिए, एक दूसरे के जो वालदैन हैं, एक दूसरे के जो क्या ना कहते हैं माँ बाप, नानी दादा, वो आपस में क्या रिश्ते हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ बनती हैं, उनको हमने डिस्कस किया। तो ये चीज़ें क्या आपके सामने वाजे हो गई। तो इंशाल्लाह अगले दरसों में हम कुछ और बहुत सारी ऐसी खवातीन और ऐसे मर्द लेकर आ रहे हैं कि जिनका ताल्लुक ना नस्बी रिश्तों से है, ना उनका ताल्लुक रजाई रिश्तों से है, ना उनका ताल्लुक ये मुसाहरा वाले रिश्तों से है, इसके बावजूद भी उनके साथ निकाह करना बहुत सारी सूरतों में हराम हो जाता है और हमेशा के लिए क्या है उनके साथ निकाह करना हराम रहता है। या बाज़ कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि निकाह उनके साथ जायज़ हो जाता है, वगरना उनके साथ निकाह क्या जायज़ नहीं होता। आज के दर्स के सवाल आपकी खिदमत में। पहला सवाल के फ़िक़ी इस्तिलाह में मुसाहरा किसे कहते हैं, इसकी वजाहत करें। और दूसरा सवाल के मियाँ बीवी पर एक दूसरे के कौन कौन से रिश्तेदार हराम होते हैं, शोहर के लिए बीवी के कौन से रिश्तेदार हराम होते हैं और बीवी के लिए शोहर के कौन से रिश्तेदार हराम होते हैं, तो उनके वालदैन, बेटे, इस वाले सारी क्या तफसील को आप क्या जिक्र करें। अच्छा, एक सवाल अगला तीसरा है कि क्या एक बाप और बेटे के लिए एक माँ और बेटी से शादी करना जायज़ होता है। चौथा सवाल कि अगर एक खातून से कोई बंदा निकाह करता है और फौरन उसे क्या तलाक दे देता है, उसके साथ रुखसती नहीं होती, उसकी जिमा नहीं होता, तो क्या उसको तलाक देने के बाद उसकी जो माँ है उससे क्या वो शादी कर सकता है या नहीं कर सकता, इसकी वजह बयान करें। पांचवा सवाल है कि अगर कोई खातून से शादी करे और जिमा जो है उसके साथ ना करे और उसे तलाक दे दे, तो इसके बाद क्या उसकी बेटी से वो शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। आखिरी सवाल है कि अगर खातून को जो है वो बगैर जिमा के तलाक हो जाए, तो क्या वो अपने तलाक देने वाले शोहर का जो बेटा है उसके साथ शादी कर सकती है या नहीं कर सकती। और इसी का दूसरा ऑप्शन बना लें कि वो अपने शोहर के बाप के साथ क्या शादी कर सकती है या नहीं कर सकती, क्या दोनों का एक हुक्म है या अलग हुक्म है, इसकी क्या करें वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।